सर होल्ड मुझे तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं पागल हो गया हूँ। इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस आते हैं, उसका जवाब दे दे के पागल हो रहा हूँ मैं अभी। हाँ, ये साल के पहले में मेरी एक और फिल्म आई थी, मर्द को दर्द नहीं होता, उसके लिए भी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था। अब कमांडो के लिए भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ओके, फॉर्चुनेटली से किस तरीके का कमेंट मिला है एंड सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला है? ऐसा कुछ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैं याद नहीं, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स है, सारे ही बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। जब लोगों को आपका काम पसंद आता है और वो अपने दिल से प्यार देते हैं तो सारे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ही है। ऐसा कुछ मैं पिकआउट नहीं कर सकता कि ये बेस्ट है, ये है, कुछ भी ग्रेट है। अगर थम्स अप भी आया ना मेरे लिए, वो भी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसी के साथ में बात करिए तो ओके, इसी के साथ में बात करिए तो जिस तरीके से आप नेगेटिव रोल इस बार प्ले कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में है, इस बार कुछ बताइए कितना चैलेंजिंग था नेगेटिव प्ले करना। एक बार फिगर आउट हो गया तो कोई चैलेंज नहीं है, सोचने का बहुत वक्त था मेरे पास, तकरीबन 2 महीने। तो डायरेक्टर के साथ कुछ मीटिंग्स की, स्क्रिप्ट पढ़ी हमने, तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ थे तो मैंने डिस्कस किए, तो सेट पे कुछ मैंने ट्राई किया, सोचा मैंने बहुत। लेकिन एक बार आप एक नींव लगा लेते हैं ना कि कैरेक्टर ऐसा है, ये करना है आपके साथ, इसके चाल चलन ऐसी होगी, तो ये ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे बात करेगा, इसकी आवाज़ ऐसी होगी, तो एक बार फिगर आउट कर लेते हैं तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है। तो फिर आप ट्राई करते हो सेट पे जाके, आप दूसरे अपने को एक्टर्स के साथ कुछ ट्राई करते हैं, तो कुछ कुछ वर्क होता है, कुछ कुछ नहीं वर्क होता है। जो नहीं वर्क होता है उसको सब बाजू में लगा के हम लोग जो वर्क हो रहा है उसी पे और ज़्यादा काम करते हैं। तो इनिशियली थोड़ी बहुत मुश्किल हुई, बट आई थिंक डायरेक्टर ने मुझे संभाला थोड़ा बहुत, उन्होंने हेल्प की, तो फिर उसके बाद तो मस्ती ही किया हमने। ओके, इसी के साथ में आपने डिसाइड किया था कि विलन वाले कैरेक्टर्स अब नहीं निकाला है, लेकिन क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है इस कैरेक्टर को, तो माइंड कहीं चेंज हुआ है अब? नहीं, कुछ हद तक के लिए मैंने संन्यास ले लिया है खलनायकों से, तो मैं कुछ अभी नया ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। पहले भी मैंने नया किया है, ऐसे हंटर वगैरह फिल्मों में मैंने कुछ अलग किया है, तो लोगों को वो भी पसंद आई है, तो मैं कुछ एक नई दिशा में जा रहा हूँ, सो लेट्स सी। ओके, ऑल्दो वी आर सेलिब्रेटिंग सक्सेस, लेकिन यू नो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, वो है प्रियंका रेड्डी जो रेपकांड हुआ है उसके बारे में, यू नो जानना चाहूँगी कि लॉ कितना मजबूत होना चाहिए एंड क्या कहना चाहते हैं इस गर्ल्स। लॉ मजबूत है, लॉ मजबूत है, लॉ तो पहले से ही है, एवरी क्रिमिनल हैज़ टू बी पनिश्ड। तो ये जो घिनौनी हरकत जिन्होंने भी किया है, उम्मीद करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उन्हें, और मर्दों का भी औरतों की तरफ देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। तो हाल ही में मैं मोहन भागवत जी का एक क्लिप देख रहा था, जो कहीं पे बता रहे थे यही चीज़ को बता रहे थे, जो आरएसएस के चीफ हैं, तो यही चीज़ बता रहे थे कि हमारा नज़रिया जो है वो सही होना चाहिए। तो आई थिंक ये छोटी उम्र से ही, ये घर पे ही आपको सिखाना चाहिए कि किस तरह से इज्जत से पेश आते हैं औरतों के साथ में, औरतों के साथ नहीं किसी के साथ भी, मतलब प्यार मोहब्बत से रहो और इज्जत की नज़रों से देखो सबको। थैंक यू सर।
हैप्पी एंड आई थिंक आजकल सोशल मीडिया टाइम पे वी कैन गेट लाइक इमीडिएट रिस्पॉन्स. तो आई वॉज ट्राइंग टू रीपोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज ऑल्सो. लोग थिएटर में हैं, अपने टिकट्स मुझे भेज रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइक माई इंट्रोडक्शन एंड ऑल द रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग. सीटियाँ पड़ रही है, वेरी एक्साइटिंग फॉर एन एक्टर आई थिंक टू वॉच स्टफ लाइक दैट. इट फील्स रियली नाइस. कल रात में सोई ही नहीं, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दोज इंस्टाग्राम स्टोरीज, नेक्स्ट 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 एंड सीन एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. लोगों को मेरा ह्यूमर पसंद आ रहा है फिल्म में, एक्शन पसंद आ रहा है. सो क्या ओवरवेल्ड या ओके जी के साथ में अदर पे बात कर लिया. तो फिल्म में आप कहीं ना कहीं बहुत सारा मतलब एक एक्शन करती हुई नजर आ रही है, तो कितना चैलेंजिंग था वो आपके लिए? एक्चुअली चैलेंज वो नहीं है, वो खुशी की बात है कि मुझे मौका मिला. चैलेंज वो है मिलना चाहिए मौका. तो आई थिंक इसमें मुझे मौका मिला, तो आई थिंक दैट्स सॉरी आई डिड सी. सो या आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गेट द चांस, द चैलेंज इज टू गेट द चांस. वंस यू गेट द चांस देन थैंक यू. So my stylist is here, Juhi. She was right here. She's not here anymore. So we decided to, the designer's Pinky. So we decided to do commando one side because Bhavna Reddy's badass, and then we decided to go really soft and pretty the other side, which is a nice ruffled gown. So yeah. Okay. So you know, जो ये आपका फुल ड्रेसिंग का आइडिया था वो डिज़ाइनर को आपने दिया था या वाज़ इट फ्रॉम हर साइड? आई थिंक इट्स बोथ वेज, बट आई लाइक दैट नाउ द मीडिया एंड द ऑडियंस रियली अप्रिशिएट व्हेन आई डू समथिंग डिफरेंट. व्हेन आई कम इन विद समथिंग डिफरेंट योर आईज ऑल लाइट अप. सो आई थिंक दैट फील्स वेरी नाइस फॉर एन एक्टर. सो आई फील आई कैन डू मोर क्रेजी स्टफ. आई थिंक आफ्टर दैट न्यूज़पेपर गाउन दैट वी डिड, आई फील वी शुड गो क्रेजियर ईच टाइम. ओके, एनी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट व्हिच यू गॉट इट फ्रॉम द फोटोग्राफी व्हिच लाइक एनीवन हु About commando? Yeah. A lot of people are calling me like I said, the humor, and I think for a girl to be funny in a movie is really nice, because usually jab hi funny movie hai, to the guys are making fun of the girl, or they're making fun, and you know the girl is. But this, the girl is like doing the jokes and she's doing the humor, so I think it's very cool. Like Bhavna Reddy is a hero herself. I think that and came across really nice. And also action karti nazar aayi hai, so that is something new. And how much difficult it was for you? Like I'm saying, the doing action is not the tough part. To get a movie where I can do stuff, that is the tough part. So with Commando, I got that chance, and doing it, I really had fun. Yeah, I enjoyed. I've been training for this all my life. मौके के लिए हम लोग बस रुके हैं, जब मौका मिलता है तो. Hello. Sorry, I just. Okay, sir. हमारे ज़हन में जो बैग है. हाँ. जो है. हाँ. बात करते हैं तो विद्युत के साथ हमारे ज़हन में आप भी आती है. Good ना. I think Commando के साथ एक लड़की भी होनी चाहिए. Always, it's always nice. And विद्युत तो है ही, वो one man army तो है. But yeah, it's always nice to have a girl who's doing stuff also. Why not? Okay, sir. Okay. इसके बाद किस चीज़ की तैयारी होने वाली है? तैयारी आई कॉन्ट शेयर विद यू येट, बट माई नेक्स्ट रिलीज विल बी मैन टू मैन. जो आई थिंक आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स अ फिल्म विच इज़ अ लव स्टोरी. एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और उसके बाद शादी कर लेता है, एंड शादी के बाद उसको पता चलता है कि वो लड़की लड़की नहीं है, वो एक लड़का है. सो आई एम द मैन इन दैट फिल्म. सो दैट बी शॉर्ट. देयर्स लॉट्स मोर स्टफ कमिंग. देयर्स हॉलीडे 2 ऑल्सो सीजन 2 विच विल बी शूटिंग, एंड देयर्स 2 मोर एक्साइटिंग थिंग्स विच आई विल शेयर विद यू. ओके सर, ऑल्दो वी आर सेलिब्रेटिंग सक्सेस टुडे, बट स्टिल So I just came from Hyderabad, and I was the day I landed, I was there for a day or something, and there was this rally that was going on the road, and there were these girls who were in the hot sun, and they were like standing walking in the hot sun shouting. So I think the girls of Hyderabad are very strong. I said I hope that the justice system, because we wait for like a thing like this to happen, like a death or like a murder or like a rape to happen, and then we all react, and hum log sab baat karte rehte hain for the next 1 month about it, and then we forget about it, and then something else comes up, and then we start talking about that. So I hope the justice system does something that is like immediate action, and something that is so severe that the men are terrified to even think about doing anything like this, because they should be really scared. They should be like, if we do this, then you know, they should be really scared to. I guess that's the only thing, because like when this happened, her parents called, went to the police, and the police, instead of like saying where is she and running to her, they were
they asked the parents who was she talking to on the phone before. So so yeah, I just wish immediate action was probably taken and maybe she'd still be alive. But for the next, I hope there's no next time ever, but I just hope that they take like immediate action where people are really scared. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. What kind of response are you getting? Very good, overwhelming response. I mean, like getting messages from lots of them, a lot of unknown people also sending love and thing. I guess people have really loved the journey of Commando 3 this time. Karan Singh Dobriya ki jo journey thi, which was my attempt this time from 1 and 2. I always wanted to show an emotional side of Karan Singh Dobriya. And that it's just not a mission and just not another mission, but he had something personal to go for this time. And that is for the people of the country and for the unity of the country. And that's exactly what worked, I think. Okay, when we talk about Commando, you know, Commando 1, Commando 2, Commando 3, it's a franchise in itself, correct, right? So was there any pressure, kind of pressure from your side? Because, you know, it's 1 and 2 has been huge. Yeah. So, was there any pressure T3 should also be? Means there was a lot of excitement and pressure, and it also gave me the opportunity because I knew how 1 and 2 were treated or how they were shot and how they looked. So, I was very clear that when I make 3, it has to stand out, it has to be 360 degree different in terms of action, look, appearance. If you look at the way it's been shot, the camera language, the way the action is taking place and the stunts that we've choreographed is drastically different. So ek repeat aisa nahi hai ki humne jo pehle 1 or 2 mein you know the other two directors had done with their vision, we've just gone ahead and I've tried on every step to better and make it bigger, larger, something new. In terms of the approach towards Commando 3. I'm pretty satisfied. Matlab, my point was, my biggest reaction was the audience and the way they were reacting. Matlab, for me, the way jo theater mein jaake jo CT padhti hai, jo dialogues pe jo socha tha jab likhenge karenge ki yahan pe reaction milega, people will like this moment. I guess for me, more overwhelming was the way the audience has reacted. And coming back to the reviews, I guess we were at a level I was very confident when jab ek edit level pe, we were very satisfied. If you'll see that we stand by the film and we always stood by it, and that's the reason we opened the film about 4 to 5 days before the release to the media and for the critics, because somewhere in our heart we were very happy about the product, and I'm very happy and satisfied with what we've made, what, you know, as a team, what we've delivered. What's next from your side? Honestly speaking, right now though, I'm completely enjoying the moment and still trying to figure out what next. I usually jump, they told me that I've been jumping genres from Aashiq Bana Apne to Table Number 21, and then in the middle I did a biopic on Sunny Leon, and then now an action film. So I genuinely don't know what next is going to excite me or draw me towards that I'll go and do. Right. Thank you so much. Thank you.
सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई तुम आ जाओ विद्युत को बीच में लोना है मेरे बहुत दूर है यार हाँ या ओके ओके हो गया गाइस फ्रेम हाँ हाँ ओके 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 अभी झूठ की बात होगी नहीं आज हमारी सक्सेस पार्टी है सो सक्सेस कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं रिस्पांस बहुत अच्छा है दर्शक अभी भी थिएटर्स में हैं मैं अभी फिल्म देख के आ रहा हूँ और इतना उत्साह है जिस तरह से हर डायलॉग पे हर पंच पे सीटियाँ तालियाँ बढ़ रही हैं तो रिस्पांस तो अच्छा ही है ये काफ़ी सारे हैं डिफरेंट जैसे मैंने बताया कि हर डायलॉग पे ताली है वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार एक्शन पे तो कमांडो 3 से एक्सपेक्टेड होता ही है फिर भी इस बार भी वो लोग दबा दबा के ताली मार रहे हैं सो इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट सर आप क्या मैं फन रिपब्लिक में सैटरडे शाम को गया था और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा चार बार भारत माता की जय के नारे लगे व्हेन द फिल्म जब बात करती है हिंदू मुस्लिम यूनिटी इंडिया की यूनिटी की तो चार बार भारत माता की जय के नारे लगे मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए मेरे सो और ये हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन जितना भी है उसमें से हमें न्यूज़ आ रही है कि देश में बहुत सारे थिएटरों में इस तरीके का एक चीयरिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है लोगों में और बहुत प्यार मिल रहा है सो आई एम ओवरवेलम्ड विद द रिएक्शन एंड वेरी हैप्पी वेरी वेरी सैटिस्फाइड कि बहुत मेहनत से ये फिल्म बनी है एंड इस तरीके की रिस्पॉन्स का आना इज वेरी वेरी चीयर एंजॉइंग बहुत मज़ा आ रहा है इट वर्क्स बोथ वेज देर आर एलिमेंट्स अबाउट द फिल्म के अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस हर फ्रेंचाइज की फिल्म के साथ बढ़ती हैं यू हैव टू ऑल द टाइम ट्राई एंड मैच अप टू इट तो वो एक चैलेंज बहुत बड़ा रहता है दैट यू डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट द पीपल हु आर लविंग द फिल्म फ्रेंचाइज एंड कमिंग अभी हम बात कर रहे थे कि तीन में हमने जो एक्शन किया अब चार में क्या सो दैट इज़ ऑलरेडी अ प्रेशर बट अच्छी बात ये होती है कि लोगों को आपकी फिल्म के बारे में पता है वो विद्युत को एक्शन करते हुए देखना चाहते हैं देर इज़ अ कमिटमेंट टू द फिल्म एंड द फ्रेंचाइज देर इज़ लव अटैच टू इट तो वो हमारे एडवांटेजेस भी होते हैं तो इट वर्क्स बोथ वेज सी जब मैं क्लास 8th में था तो लगता था 9th में जाऊंगा तो क्या होगा देन आई वेंट फॉर द बोर्ड्स देन 12th सो आई थिंक वी आर यूज्ड टू दिस स्टाइल ऑफ लाइफ प्रेशर हर बार आता है बट मज़ा उतना ही आता है सो वी एक्साइटेड अबाउट इट नाउ वी बीन डिस्कसिंग अबाउट हाउ ही वांट्स टू डू कमांडो 4 ओके सो कमांडो 4 की बात हुई तो कब से तैयारी चालू होने वाली है नहीं नहीं ये तो अभी हमने से बात शुरू की अब कब आएगी कब रेडी होगी बहुत लंबा प्रोसेस होता है हम बैठ के बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इस फिल्म में क्या अच्छा था और क्या बेहतर कर सकते हैं क्या लोगों को बहुत अच्छा लगा और क्या करना चाहिए तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है इट्स नॉट ईजी जस्ट टू से एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें एक बहुत ही अच्छी नई कहानी ढूँढनी पड़ेगी उतने ही शानदार एक्शन सीक्वेंसेस बनाने पड़ेंगे So it's a long journey. It's not easy. Okay, but what's next coming up from your side? So I've got Khuda Hafiz that I'm shooting for. Then I've got another film called Power with Mahesh Manjrekar. So अभी ये है. अभी और आगे देखते हैं. Okay, so besides that, you know, lastly, although we are celebrating success today, but एक चीज और जानना चाहूँगी, you know, the Priyanka Reddy case, which happened 2 days back. What do you want to say on that? And do you think the women are safe? Because these all things are happening. It's not the first time it had already happened so many times. So what do you want to say on that? हमारी सोच ये है कि जस्टिस हैज़ टू बी डन इन द क्विकेस्ट पॉसिबल वे एक महीने के अंदर उनका केस कंप्लीट हो जाना चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए फॉर डूइंग व्हाट दे हैव डन आई कांट एक्सप्रेस हाउ एंग्री एंड पेन्ड वी ऑल फील एंड वी फील हेल्पलेस बिकॉज
हम अगर आज हमारे सामने आ भी जाए तो हम उसका गला नहीं घोंट सकते, कानून हमें उसकी इजाज़त नहीं देता, पर अंदर से फीलिंग यही होती है कि अगर सामने आ जाए तो गला घोंट के यहीं जान ले लेनी चाहिए. इट इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड आई बिलीव के हमें एक सिस्टमेटिक चेंज की बहुत ज़रूरत है. बचपन से हमारे सिलेबस में हमारी माओं को अपने बाप हर पिता को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा औरत की इज्जत करना. हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको एक कंपलसरी टॉपिक बनाना पड़ेगा कि हर लड़का लड़कियों की इज्जत करना सीखे और इस तरीके की हरकत करने का ख्याल भी उसके दिमाग में ना आए. सो आई थिंक इट्स टाइम. हर बार हम कैंडल मार्चेस करते हैं, आक्रोश दिखाते हैं और फिर जब तक अगला ऐसा कोई अपराध नहीं होता हम भूल जाते हैं. अगर हम ना भूलें और इसको इस पूरे मोमेंटम को यूज़ करें तो मुझे लगता है कि वो उस जो लड़की जिसके साथ इतना बुरा हुआ उसकी आत्मा के लिए कुछ हमारी ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. जैसे आपने कहा कि डू यू थिंक इट्स सेफ, अभी तक लगता था जब भी थोड़ा यकीन होने लग जाता है तो इस तरह का कुछ हादसा हो जाता है. सो द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, सर्टेनली नॉट सेफ. Like people sir said, there's so much anger. Everybody I meet, this conversation just as an interview is also not a very great conversation. It makes you angry. That's the only emotion I feel. And yes, I believe the fact that there was safety, but I do not agree with it anymore. Thank you. कहूँगी कि राइट नाउ ऑल ऑफ अस आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ओवर द मून अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म. एंड समवेयर इन माई हार्ट आई काइंड ऑफ I knew that this would happen, but I was just keeping my fingers crossed. But now this is it's come true, so I'm very happy. मुझे ये कहा जा रहा है कि हमने एक्शन मैंने एक्शन बहुत अच्छा किया है और अब एक्टिंग की भी तारीफ हो रही है, तो फिर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग ऐसा मान रहे हैं और इट्स इससे एक प्रोत्साहन मिलता है एक्टर्स को भी, तो बस बहुत खुश हूँ इस बारे में. प्रेशर था आपके ऊपर क्योंकि कमांडो एक जो है वो ऑलरेडी एक हिट फ्रेंचाइज है जी, उसका नाम है कमांडो 1 और 2, तो काफी हिट है जी. इसमें आपके तो मतलब कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग तो नहीं था, मैं खुशी थी कि मुझे कमांडो 3 करने को मिल रहा है और द फैक्ट दैट आई एम डूइंग इट विद विद्युत, इट वॉज नॉट स्कैरी. It was more like a challenge that I took up ki, you know, I'm getting to you know, fight Vidyut ke saath in the film, to mujhe utni mehnat karni hai aur main bahut khush thi ki mujhe I have to do that.